गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू लर्न फर्स्ट चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट साइंस फूड। ठीक, फूड मींस भोजन, फूड का मतलब हुआ भोजन। अब भोजन क्या है, ठीक है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि भोजन हमारे लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, भोजन जो है इसेंशियल है हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ को सरवाइव करने के लिए। अब भोजन क्यों इसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए, हमारे लाइफ को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि इससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इससे हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, यानी कि हमारे शरीर को हेल्दी होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिपेयर होने के लिए, सारा चीज कहां से मिलता है, फूड से मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, अकॉर्डिंग टू बुक फर्स्ट चैप्टर फूड पढ़ेंगे, और फूड में फर्स्ट लाइन बहुत ही अच्छा लाइन है, ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। जितना भी लिविंग बींग्स है, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको भोजन की जरूरत होती है। सबको भोजन की क्या होती है, जरूरत होती है। इट गिव्स देम द न्यूट्रिएंट्स, ये हमको क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। दे नीड टू लिव, न्यूट्रिएंट्स क्यों देगा हम लोग को, ठीक है, जीने के लिए, टू लिव, ग्रो, बढ़ने के लिए, रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि प्रजनन के लिए। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से बहुत सारा पॉइंट है। You have learned a little about the nutrients we need. For example, you have learned that cells. अब फूड में क्या आ गया, cells, cells मतलब क्या, अनाज। अनाज में क्या आ गया, राइस एंड व्हीट, यानी कि चावल, गेहूं, एक्सेट्रा, कॉन्टेन न्यूट्रेंट्स दैट गिव्स अस एनर्जी। अब क्या है ना, जैसे क्या है, फूड में क्या होता है, फूड में क्या होता है, अलग अलग सेल, अलग अलग फूड में अलग अलग चीज पाया जाता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। जैसे सबसे पहले आया व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस, इसमें क्या पाया गया, कार्बोहाइड्रेट्स पाया गया। क्या पाया गया, कार्बोहाइड्रेट्स। इससे हमको क्या मिलता है, इनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, इनर्जी। ठीक है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड राइट हाउ द न्यूट्रिएंट्स इन देम हेल्प द बॉडी। अब हम लोग को पिक्चर देखना है और लिखना है कि हम लोग को इससे क्या मिलता है, दाल से क्या मिलेगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल से क्या मिलेगा, ये आपका खुद से आपको घर पे करना है। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आया, हम लोग अभी तक न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स बोल रहे थे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के प्रकार। भोजन से न्यूट्रिएंट्स मिला, लेकिन न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीज मिला, सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे बॉडी को हमेशा चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट, इनर्जी। ठीक है, दूसरा है प्रोटीन्स, तीसरा फैट, चौथा मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है, ये पांच जो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एंड
इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एंड व्हाट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ओके। ऑफ दीज वी नीड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स इन लार्ज क्वांटिटी। अब यहां पे क्या हुआ ना कि पांच कंपोनेंट्स है, ये पांच कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जिसमें ये तीन, यानी कि ये तीन जो है वो है लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, बड़े पैमाने में चाहिए, यानी कि जो भी जब भी हम भोजन करें ये तीनों चीज होना जरूरी है, सुबह दोपहर शाम। और ये दोनों क्या है, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये लार्ज स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, छोटे मात्रा में चाहिए, ठीक है। अब यहां पर है The different types of food we eat have different amount of these nutrients. अलग-अलग भोजन में अलग-अलग type का nutrients पाया जाता है, ठीक है? They also have different amounts of water. और सब में अलग-अलग मात्रा में पानी भी होता है, and some things that we cannot digest. और उसको कुछ चीज ऐसा है जिसको हम लोग digest नहीं कर पाते हैं, ठीक है? We must have guessed that the water content in food is important for us. ठीक है, सो यहाँ पे ये भी हम लोगों के लिए, ठीक है। सो इज फाइबर और द पार्ट ऑफ फूड दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट, फाइबर जो एक फूड का पार्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आपको अभी बताया कि कुछ ऐसा है जो फूड, कुछ ऐसा फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, वो क्या है, फाइबर। ये क्या है, फाइबर, जो हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। यू बट व्हाई इज फाइबर इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन हमारे लिए फाइबर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है तो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यू विल लर्न मोर अबाउट इट लेटर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग और पढ़ेंगे, इसके आगे भी पढ़ेंगे क्यों, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक एक करके कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फूड गिव्स अस एनर्जी, वैसा भोजन जो हमको एनर्जी देता है उसको कहते हैं, सच एज सेल्स, जितना अनाज आप ले लीजिए सारा अनाज, ठीक है, अनाज में आपका कार्बोहाइड्रेट्स बड़े मात्रा में, लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन अदर वर्ड्स कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी। यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट्स क्या दिया, गिव अस एनर्जी, हम लोगों को एनर्जी देता है, सेल्स, पोटैटोस, फ्रूट, शुगर, स्वीट, इसका एग्जांपल अगर पूछा जाए तो बहुत सारा है, पोटैटो,
स्वीट्स ईटीसी, ये एग्जांपल आ गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राइट एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड का एक एग्जांपल। तो आपका क्या होगा, पोटैटोस हो गया, स्वीट्स हो गया, सैलड्स हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, एंड विच न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स एनर्जी गिविंग फूड है, कार्बोहाइड्रेट। हालांकि फैट भी है, फैट भी है, लेकिन फैट अलग चीज हुआ। ठीक है, फैट भी हम लोग को एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को क्विक एनर्जी देता है, तुरंत देता है। और फैट्स जब हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का कमी हो जाएगा तो फैट्स क्या करेगा, धीरे 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 करके हम लोग को, हम लोग के बॉडी को एनर्जी देगा। ठीक है, That does not mean that other types of food do not have carbohydrates. इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाया जाता है। Not does it mean that food rich in carbohydrates do not have other types of nutrients as the picture above. So ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि दूसरे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिला। कार्बोहाइड्रेट्स मिला, लेकिन किसमें ज्यादा मिला, पोटेटो स्वीट्स इसमें क्या होगा, ज्यादा मिला, तुरंत मिला, और दूसरे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा लेकिन थोड़ा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, ये सब हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है, नेसेसरी है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।